तीन मोर्चों पर इसराइल की भीषण बमबारी इस वक्त हो रही है। गाजा, लेबनान और सीरिया में बम दागे गए हैं। इसराइल के हमलों में तीनों जगह तबाही मची है। तो तीन मोर्चों पर इस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा है, एक गाजा, एक लेबनान और एक सीरिया में। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं, आग के गोले में तब्दील होता ये इलाका और सबसे ज्यादा विध्वंसक दौर है इस जंग का, क्योंकि तीन मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, तीन कोनों से लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्ला से लड़ रहा है और दूसरी तरफ तीसरी तरफ सीरिया से भी लगातार इसराइल की लड़ाई सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में विनाशक हमला हुआ है इसराइल ने। बेरूत के चप्पे चप्पे पर बम बरसाए हैं धमाकों और बारूदी चिंगारी से दहल गया है बेरूत, लेबनान की राजधानी की आप तस्वीरें देखिए। आपको दिखा रहे इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर से देर रात बमबारी की है बेरूत पर और उसके बाद का हाल आप देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में बमबारी के बाद भीषण आग लग गई है। एयरपोर्ट वाली सड़क पर जबरदस्त बमबारी हुई है, जिस रास्ते से एयरपोर्ट जाया जाता है उसी रास्ते पर अटैक किया गया। आईडीएफ के हमलों के बाद भीषण तबाही मची। और देखिए एक और बड़ी खबर, पूरी रात हमलों से दहला है बेरूत। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बेरूत में 9 बड़े बारूदी प्रहार किए। आग और धमाकों से बेरूत में भारी तबाही, हिजबुल्ला के गढ़ में भीषण हमला किया गया। तो ये देखिए एक और तस्वीर लेबनान की राजधानी, और ये देखिए बेरूत में जो धमाके हुए हैं इसकी तस्वीरों को कुछ लोग किस तरह से अपने कैमरे से कैप्चर करते हुए नजर आ रहे पूरे बेरूत में। इसके बाद खौफ और दहशत है, क्योंकि रात भर जिस तरह से बमबारी हुई है हिजबुल्ला के गढ़ पर चुन चुन कर टारगेट किया गया है, इसके बाद से लोग अब सुरक्षित इलाकों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बेरूत के दाहिया में भी बारूदी प्रहार हो रहा है। आईडीएफ के हमले में धुआं धुआं हो गया दाहिया, दाहिया में भीषण धमाके और बारूदी चिंगारी बरस रही है। हिजबुल्ला के गढ़ों पर हवाई हमला हो रहा है, एयर स्ट्राइक लगातार इसराइल कर रहा है उन इलाकों में जहां जहां हिजबुल्ला का गढ़ है। दाहिया इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है और एक एक डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो वॉर जोन में चल रहा है दाहिया में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं और जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं वहां पर प्रहार हो रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है इसराइल की तरफ से। ईरान पर हमले से पहले बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत बड़ी धमकी, इसराइल पर सभी हमलों के पीछे ईरान है ये कहा गया है। नेतन्याहू की तरफ से हमलों का जवाब देना अब इसराइल का पूरा अधिकार है। इसराइल 7 फ्रंट्स पर इस वक्त युद्ध लड़ रहा है। जी हाँ, तो 12 घंटे के अंदर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इसराइल और ये 12 घंटे एक तरह से काउंटडाउन के रूप में है कि 7 अक्टूबर भी है, जिसके संकेत मिलना शुरू भी हो गए हैं। आपको ऐसे 5 संकेत बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 12 घंटे क्यों ये काउंटडाउन की तरह है और ये कयामत की तरह हो सकते हैं। ईरान पर आक्रमण, 12 घंटे में बारूदी रण, 5 संकेत देखिए। नेतन्याहू ने ईरान को जवाब देने का ऐलान कर दिया, आपने अभी सुना नेतन्याहू ने क्या कहा। इजरायली सेना ने हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके बाद अगला संकेत आप देखिए, ट्रंप ने कहा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला होना चाहिए। हालांकि जो बाइडेन है वो कुछ अलग बोलते हैं। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद ने स्ट्राइक की बात कही और जो बाइडेन को डर है ईरान के एटमी साइट निशाने पर है। जी हां, संकेत और मिल रहे हैं। अब देखिए खास बात क्या है, इजराइल अपने दुश्मनों को जवाब जरूर देता है, ये इतने दिनों में आपको अंदाजा हो गया होगा। ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस टू का जवाब अभी बाकी है, यानी ईरान ने जो खेल खेला
उसका जवाब, उसका रिवेंज अभी बाकी है। तो इसीलिए अब देखना होगा ये जो वार पलटवार हो रहा है इसमें इजराइल कितनी बड़ी लकीर खींचकर जवाब देता है ईरान को। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है चर्चा करने के लिए वॉर जोन में इस वक्त हालात क्या है और आगे क्या होगा। मेजर जनरल रिटायर वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, कमांडर रिटायर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और बेरूत से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। और सुमित मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। बेरूत वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, खास करके दाहिया का इलाका। इस वक्त आप क्या मंजर देख सकते हैं, क्योंकि अब इंतजार ये हो रहा है और दुनिया इस बात के लिए टकटकी लगाकर देख रही है कि 7 अक्टूबर को क्या इसराइल कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय यहाँ पर करीबन 7:30 बज रहे हैं और सुबह 4 से 5 बजे तक लगातार बड़ी बम्बारमेंट की हमें आवाज़ सुनाई दी बेरूत के अंदर। और ये तब हो रहा है जब लगातार बेरूत को बहुत सुरक्षित माना जाता था, कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ इन अटैक्स की तपिश जो है वो साउथ लेबनन तक सीमित रहेगी। लेकिन फिर भी दाहिया के इलाके में कल मैं आपको बताऊं कि जब एक फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तब भी इसराइल के बड़े अटैक्स हुए। और ये निश्चिंत मानिए कि ऐसे अटैक्स इसराइल लगातार दाहिया में कर रहा है। उसका पूरा मकसद है कि वो दाहिया को उसी तरीके से बना दे जो उसने गाजा में किया, क्योंकि लगातार यहाँ से हिजबुल्ला बड़े कमांड्स करता है, कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कमांड सेंटर है। तो निश्चित तौर पर इसराइल की पूरी कोशिश है कि दाहिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर अटैक किया जाए। एक तरफ साउथ लेबनन में अटैक हो रहे हैं और दूसरी तरफ माफ कीजिएगा दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दूसरे अटैक जो हो रहे हैं वो दाहिया के इलाके में हो रहे हैं। और ये अभी मैं आपको बताऊं कि कल शाम को जब हम दाहिया के इलाकों में थे, बड़े बड़े उनके कमांड सेंटर का, बड़े बड़े उनके जो आप कह सकते हैं सर्विलेंस, जहां से लगातार वो सर्विलेंस करते हैं पूरे इलाके, उनको तक अटैक किया गया है। जी बिल्कुल सुमित, तो दाहिया इस वक्त वो सेंटर नजर आ रहा है जहां पर सबसे ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और कल पूरी रात बेरूत और दाहिया में जमकर हमलों को अंजाम दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत में विध्वंसक हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। तेज धमाकों से बेरूत में भीषण तबाही मच गई, बड़े धमाके के साथ विकराल आग धमाके की चपेट में आई है, कई इमारतें, ये देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार जो बेरूत है वो धमाकों से दहल रहा है। देर रात क्या हुआ है, पूरी रात बड़े धमाके हुए हैं, तेज धमाकों से बेरूत में भीषण तबाही मची है, बड़े धमाके के साथ ये देखिए आग का गोला आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जानकारी है कि कई लोग इसमें मारे गए। तो बेरूत का इलाका लगातार दहल रहा है, आपको बता दें लेबनान के बेरूत में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर बताते हैं, धमाकों के बाद एयरपोर्ट रोड पर आग लग गई है, एयरपोर्ट रोड को निशाना बनाया गया है, हमलों में गोल्डन प्लाजा इमारत ध्वस्त हुई है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक इलाका जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, और ये एयरपोर्ट रोड है जो बताया जा रहा है, जो गोल्डन प्लाजा की इमारत है उसे ध्वस्त किया गया। एक धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, जब अटैक हुआ आग लग गई तो धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से, और इस वक्त वॉर जोन में जो हालात हैं बेरूत में खासतौर पर वो विध्वंसक हैं। और एक और बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स कमांडोज का प्रहार हुआ, हिजबुल्ला के गढ़ में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। कमांडो ब्रिगेड चुनचुनकार हमलों को अंजाम दे रही है, IDF कमांडोज ने कई हिज के लड़ाकों को ठेर किया। ये देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हो रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं और जो कमांडर्स हैं इनके, उन सबको चुनचुनकर ठेर किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, IDF ने ईरान पर हमलों की तैयारी पूरी कर दी है, किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रणनीति बना ली है और सभी मोर्चों पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कैबिनेट से भी हमलों की मंजूरी मिल गई है, जो इजराइल की कैबिनेट है, अब कभी भी अटैक हो सकता है और डायरेक्ट अटैक हो सकता है ईरान पर, ईरान को जवाब दिया जा सकता है इजराइल की ओर से, ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल का ये जवाब हो सकता है, और कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है।
और इसराइल डिफेंस फोर्स अपनी तैयारियों के लिए जाना जाता है, इसलिए तैयारी क्या है ईरान पर अटैक करने की, ये जानने के लिए चलते हैं करुणा शंकर शर्मा के पास। तो बिल्कुल, ईरान के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की युद्ध की तैयारियां है, बड़ी खबर क्या, ईरान पर हमलों के लिए आईडीएफ का ऑपरेशन अब तैयार हो गया है, और साथ ही क्या जानकारी, इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले की मंजूरी दे दी है, रजामंदी है, रणनीति क्या है, रेडी टू अटैक मोड में सभी एयरबेस को रख दिया गया है ईरान में, टारगेट क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियर साइट्स पर जो बम की बारिश है वो हो सकती है, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट सेट कर दिया गया है रणनीति के तहत, ऑयल रिफाइनरीज को भी टारगेट पर लिया जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, हथियार डिपो को भी टारगेट पर लिया जाएगा, ये तमाम जो टारगेट्स हैं वो इसराइल के रहेंगे। खास बात क्या, इजरायली सेना को बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है, अब बस एक ग्रीन सिग्नल मिलना है और नेतन्याहू किसी भी वक्त हमले का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा कैबिनेट है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। वीके दत्ता सर, मेरा सवाल आपसे है, एक बात ही आप समझाइए कि 7 अक्टूबर की वो तारीख है, ये माना जा रहा था कि उससे पहले अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा इसराइल कर लेना चाहता और काफी हद तक कामयाबी भी इसराइल को मिली, और अब क्या आपको लग रहा है कि 7 अक्टूबर वो तारीख हो सकती है जब ईरान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा फैसला इसराइल की तरफ से लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि कल एक साल पूरा हो जाएगा जो 7 अक्टूबर 2023 में हमला हुआ हमास के द्वारा, हमास, हिजबुल्ला, हूती, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो और चाहे ईरान खुद हो, ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं और ईरान की शह के ऊपर ही ये हमला हुआ, और तभी नेतन्याहू साहब ने बोला है कि जितने हमले हमारे ऊपर हुए हैं उसके पीछे ईरान है। अभी कल इसका एक साल पूरा हो जाएगा, हमास अभी जो फर्स्ट फेज में ऑपरेशन चालू किया इसराइल ने, उन्होंने हमास का खात्मा कर दिया, तकरीबन अभी मोपिंग अप चल रहा है, और जहाँ तक हिजबुल्ला का सवाल है, अभी जो पूरा कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन उनकी लीडरशिप ख़त्म कर दी गई है और अभी ग्राउंड ऑपरेशन चालू हो गए हैं, तो अभी हिजबुल्ला की बारी है, इनको चुन चुन के मारा जाएगा, पुशबैक किया जाएगा ताकि इसराइल के नागरिक अपने नॉर्दर्न इसराइल में वापस आ सके। अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान ने पहले हमला किया, वो तब किया कि जब इसराइल ने डेमेस्कस में उनके कॉन्सुलेट पे हमला करके उनके सीनियर कमांडर्स को मारा, उसके बाद उसने रिटेलिएट किया था, उसके बाद अभी उसने नसरुल्ला के मारे जाने के बाद बोला हम उसका बदला ले रहे हैं, तो उसने ये रिटेलिएशन करा जी। अगर आपको याद हो, पहली बार भी ईरान के हमले के 6-7 दिन के बाद इसराइल ने काउंटर अटैक करके अपनी काबिलियत जाहिर करी थी, और अभी जो टारगेट किया ईरान ने उसका बिल्कुल इमेज या मिरर इमेज के मुताबिक उसको रिटेलिएट किया जाएगा। हालांकि मानना तो ये है, और ये लोगों का ये भी मतलब जो अगर यूएस और इसराइल की बात करें, उनका तो यही टारगेट रहेगा हम ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दें, लेकिन जो हमारे बाइडन साहब हैं वो हमेशा वार्न करते जा रहे हैं इसराइल को कि आप न्यूक्लियर टारगेट मत करना, आप न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट मत करना, अगर उसको नहीं टारगेट करना तो क्या टारगेट किया जाएगा इनका, ईरान के अंदर कमांड कंट्रोल, इनके एयरफोर्स, इनके मिसाइल स्टेशंस, इनके ऑयल इंस्टॉलेशंस, इनके स्टोरेज डिपोज। और दत्ता सर, जब ईरान का जब मोटिव क्लियर है कि वो तबाही चाहता है, तो फिर इसराइल क्यों रुकेगा, और न्यूक्लियर टारगेट्स ही क्या इसका अंजाम होगा आगे चल के, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। मैं आऊंगी दत्ता सर आपके पास, एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, लेबनान से इसराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है, हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल दागी है, हिजबुल्ला ने मिसाइलें दागी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल हालांकि नष्ट कर दी, लेकिन हिजबुल्ला भी पलटवार कर रहा है, और पलटवार कुछ इस तरह किया गया है कि मिसाइल अटैक हुआ है, जो एरो के सहारे आप देख रहे हैं यही वो मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट किया गया, आयरन डोम जो कि डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसने इंटरसेप्ट किया और फिर इसे हवा में ही मार गिराया, इसकी क्षमता है डिफेंस सिस्टम की हवा में ही मार गिराने की, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एक लाइनिंग देख रहे हैं आसमान में, वो लाइनिंग बता रही है कि इसी इलाके से ये मिसाइल पर ये मिसाइल फायर हुई और ये हिजबुल्ला की तरफ से फायर हुई। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार हुआ है, इसराइल के हाइफा में दागी गई है क्रूज मिसाइल, अल अरब क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया, ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इस मिसाइल को गिरा दिया, तो इराक से भी आप हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तो ईरान के समर्थन में अब जो इराक है उसने भी इसराइल के खिलाफ
किस तरह से हमले शुरू कर दिए हैं वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि जो इसराइल में इन मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा इस हमले से, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सभी मिसाइल को मार गिराया है, ये खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल के साथ ईरान की भी जंगी तैयारी चल रही है। आईआरजीसी ने युद्ध की तैयारी का वीडियो जारी किया है। जंग से पहले ईरानी सेना का यह युद्धाभ्यास है। युद्ध कमांड सेंटर से दागी है कई मिसाइलें। देखिए, ईरान अपनी तैयारियों को धार दे रहा है और यही वो तस्वीरें हैं युद्धाभ्यास की, वॉर ड्रिल की, जब ईरान की तरफ से जो आईआरजीसी जो उसे सपोर्ट करता है और वो लगातार इस तरह से ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। ये ड्रिल को आगे बढ़ाने की कोशिश है ताकि जब डायरेक्ट अटैक की बारी आए, जो कि ईरान ने पहले भी किया, और डायरेक्ट अटैक के समय ईरान पूरी तरह से तैयार रहे। एक और बड़ी खबर, इसराइल के लिए ईरान का बारूदी संदेश। इसराइल आग से खेलना चाहता है, ये ईरान ने कहा है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर्स ने कहा, हम इसराइल के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ईरान भी तैयार है, इसराइल भी तैयार है, हिजबुल्ला भी तैयार है, और सीरिया पर जो अटैक हो रहा है वहां से भी हूती भी तैयार है। तो अब देखना होगा कि जो 6 फ्रंट से प्रहार हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आइए डिटेल में कुछ और जानकारी देते हैं। ईरान की इसराइल के साथ जंग की तैयारी है। ईरानी सेना के समंदर, जमीन, आसमान में ये ड्रिल को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्दे के पीछे से विद्रोही गुट, जिसे प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है, उस पर हमले को कहा गया है। बिल्कुल, और देखिए इसराइल पर कहां पर हमला हुआ है, कहां से अटैक हुआ है। ईरान, गाजा, सीरिया, ये वो तमाम जगह है। ईरान की बात करें, इसराइल पर हमले की तैयारी है, और गाजा की बात करें, हमास के हमले लगातार जारी। और ईरान से आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को हमला हुआ था, इससे पहले अप्रैल में भी हमला हुआ था। सीरिया की बात करें तो बद्र ऑर्गेनाइजेशन हमले की तैयारी में है। इस तरह से इसराइल पर कई जो दुश्मन है वो एक साथ हमला कर सकते हैं। जी हाँ, इराक, यमन और लीबिया, विद्रोही गुटों के मिसाइल हमले, हूती विद्रोहियों का अटैक, हिजबुल्ला समर्थक गुटों का हमला, इसराइल पर कहां कहां से अटैक हो सकता है, ये हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अतुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि उसे डायरेक्ट हमला ना करना पड़े, बेशक वो पहले कर चुका है, मिसाइल अटैक कर चुका है, एक तरह से डराने की कोशिश कर चुका है कि हम अपनी ताकत भी दिखा सकते हैं अगर हिमाकत की, तो ऐसे में अब इसराइल का जवाब क्या होगा, ईरान किस हद तक जा सकता है? देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ये जो युद्ध 1 साल से लड़ा जा रहा है, बेसिकली पूरा बैलेंस ऑफ पावर अगर आप देखेंगे रीजन का, उसको इसराइल चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान मेन टारगेट है। अगर ईरान के पास अपने प्रॉक्सीज हैं, मिलिशियाज़ हैं, जैसे हिजबुल्ला हो गए, हमास हो गए, उसी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ, ये जंग जो है बेसिकली ये US और ईरान के बीच में है, और इसराइल उसका प्रॉक्सी है। बिकॉज एक तरफ US ये बोलता रहता है कि इसमें सीज़ फायर करो, दूसरी तरफ उसको लगातार आर्म्स देता रहता है। $3 बिलियन की जो एड है वो इसराइल को मिलती है US से, और काफ़ी सालों से मिलती आ रही है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये युद्ध तो अब होगा ही, और युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इनके बीच में। इसराइल इसमें अपना फ़ायदा ये देख रहा है कि वो अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, उसने गाज़ा को एक्सपेंड कर लिया है, वो लेबनान में अपने आप को एक्सपेंड करेगा, और उसने हमास और जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज़ हैं, हमास और हिजबुल्ला को पहले न्यूट्रलाइज करेगा। वो भी उसके लिए ज़रूरी है एक वॉर प्लान के तहत चलते हुए, ताकि ईरान के ऊपर जब अटैक हो, अब ईरान के ऊपर जब अटैक करेगा तो ईरान वापस करेगा, बिकॉज ईरान एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ईरान एक स्टेट एक्टर है, उसके पास उतनी ही मिलिट्री है, कैपेबिलिटीज़ हैं, शायद इसराइल जितनी नहीं है, बिकॉज उसके पास इसराइल के पास ज़्यादा US की बैकिंग है, पर हाँ इसराइल एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टेट है ईरान, और उसके पास काफ़ी हद तक ये उसके पास असला है, जो कि अटैक उसने दिखाया भी, जो आयरन डोम जिसकी बात हम करते थे, इसराइल जिसके ऊपर बहुत गर्व करता था, वो पेनिट्रेट हो चुका है, और
उनके उनके अटैक्स जो मिसाइल के हुए हैं वो मोसाद के हेडक्वार्टर्स के क्लोज हुए हैं। अब कितना नुकसान हुआ है ये पता नहीं है। ठीक है अतुल भारद्वाज सर, ये जो बैकिंग है वो अमेरिका की नेटो की जरूर नजर आती है इसराइल के साथ, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे रूस और चीन जैसे जो देश हैं वो भी आज ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या असर होगा इस पर हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले का नया वीडियो अब आपको दिखाते हैं। 1 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला किया गया था इसका एक और वीडियो, ईरान ने मिसाइल हमले का एक और वीडियो जारी किया है। इसराइल पर किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था और ईरान ने यह दावा किया था कि 90% मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर हिट किया था, 90% से ज्यादा मिसाइलों ने। यह देखिए एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने उसी हमले का। तो एक के बाद एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। 7 अक्टूबर को हमलों की आशंका है, कल 7 अक्टूबर है और तभी हमले किए जा सकते हैं इसराइल पर। आईडीएफ ने हमलों से बचने की तैयारी की है। आपको याद होगा हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को पिछले साल और फिर एक बार फिर वो तारीख आ रही है, तो इसीलिए आशंका बढ़ गई है दुनिया में और आईडीएफ की हमलों को जवाब देने की तैयारी है। बेशक आईडीएफ ने तैयारी की होगी लेकिन हमला हो सकता है और कल कुछ बड़ा हो सकता है। हमलों पर यूएस भी इसराइल को आगाह कर चुका है, अलर्ट कर चुका है। तो 7 अक्टूबर इसराइल में किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, आप समझ लीजिए। खबर क्या है यह आपके लिए जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर की तरह बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। हमास हिजबुल्ला जैसे विद्रोही इसराइल के खिलाफ हमला कर सकते हैं। हमलों को लेकर अमेरिका का भी अलर्ट। जी हाँ, बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन अटैक का खौफ है। इसराइल की तैयारी क्या है अब ये भी जानिए कि इसराइल कितना तैयार होकर बैठा है। हर शहर में आईडीएफ ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, हर शहर में सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। जो बॉर्डर के इलाके हैं, हमास हिजबुल्ला की हर हरकत पर आईडीएफ की नजर है। अब खास बात आप समझिए, 7 अक्टूबर 2023 की आपको तारीख याद होगी। इसराइल पर बहुत बड़ा हमला हमास ने किया था, हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर तबाही मचाई थी 7 अक्टूबर की बरसी पर। इसराइल में खौफ है, 7 अक्टूबर को इसराइल में बहुत बड़े हमले की आशंका है। संजय भारद्वाज सर, ये सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है इस बात की संभावना है कि कल यानी कि जब 7 अक्टूबर की तारीख है तब हमास है, हिजबुल्ला है, ईरान है या फिर उसके तमाम जो प्रॉक्सीज है, हूती है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, ये सब मिलकर कोई बहुत बड़ा हमला अंजाम दे सकते हैं इसराइल के खिलाफ, संभावना? देखिए ये बात साफ है कि कल 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है किस चीज़ की है? हमास का जो टेरर अटैक हुआ, टेररिज्म जो इसराइल पे हुआ, तो निश्चित रूप से इसराइल और अमेरिका टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो अभी घमासान चल रहा है। और ये बात मान के चलिए कि जो फियर फैक्टर है, ये फियर फैक्टर अमेरिका सिर्फ इसराइल या अमेरिका के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, यूरोप के लिए, सभी के लिए कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है। और फियर फैक्टर के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन है? ईरान है। ईरान का अपना न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर सेटअप है, ईरान के अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो ऑयल एंड गैस ऑयल फील्ड्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है। ईरान का फियर फैक्टर ईरान के साथ और क्या है? प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज में आप हूती है, हिजबुल्ला है, इस्लामिक मिलिशिया है जो इराक में है, सीरिया में है, ये सब फियर फैक्टर इस क्षेत्र में क्रिएट किए हुए हैं। और इसराइल इस बात को समझता है कि जब तक इस फियर फैक्टर को, जो फियर फैक्टर को कौन क्रिएट कर रहा है, जो ये डिफरेंट एक्टर्स हैं, ये कभी भी इस हमले को, इस तबाही को आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसराइल पूरी तैयारी के साथ में है। एक मौका देख रहा है कि कैसे जहां से जो फियर फैक्टर क्रिएट किए हैं ईरान से उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार हो गया इसराइल का, अमेरिका समर्थित, कि ईरान के जो बेसिस हैं जिसमें न्यूक्लियर साइट में
ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि न्यूक्लियर साइट पे अटैक करो। बाइडेन थोड़ा हेजिटेंट है, उसको जो मोरल डिलेमा लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है मिडिल ईस्ट में, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, कोलेटरल डैमेज हो रहा है, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव है और डेमोक्रेट्स का एक अपना पक्ष होता है कि वो इस बात को, लेकिन ट्रंप और बाकी जो अमेरिकन जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो एक सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहते हैं कि जो जितने भी फियर्स हैं चारों तरफ से इसराइल अस्तित्व के लिए फियर है, चाहे ईरान है, और इसका समर्थन बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यमन भी हुती से परेशान है, लेबनान भी हिजबुल्लाह से परेशान, तो ये जो सीधी बात है हर मुल्क कि इनका खात्मा हो जाए, ठीक है, हर मुल्क ये चाहता है अपने हित तो साधे लेकिन दहशत भी बनी रहे, ये भी चाहता है, फियर भी बना रहे और इस बात के डर बना रहे कि उनका खौफ है, हर मुल्क ये चाहता है, भले हित अलग अलग हो सकते हैं। एक बड़ी खबर और है, लड़ाकों को हिजबुल्ला का वीडियो संदेश आया है, यहाँ हिजबुल्ला अटैक कर रहा है और अब टेक्निकली तो नजर इसराइल पर है कि वो बदला कैसे लेता है। वीडियो से जो लड़ाकों का हौसला है वो देखने को मिल रहा है, जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं उनका हौसला है कि वो किस तरह से अटैकिंग पोजीशन पर है, आखिरी दम तक लड़ने की अपील अपने लड़ाकों से की है हिजबुल्ला ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स पर हिजबुल्ला का हमला हुआ है। अल अदीसा मारून में इजरायली सैनिकों पर इस हमले को अंजाम दिया गया, घात लगाकर इजरायली सैनिकों पर अटैक किया गया। हमले में 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा, हिजबुल्ला ने हमले का वीडियो जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड चीफ इसराइल पहुंचे हैं, ईरान से जंग की आशंका के बीच ये दौरा बहुत अहम है। जनरल कुरिल्ला की आईडीएफ चीफ के साथ मीटिंग, इसराइल ईरान टेंशन पर ये चर्चा हो रही। तो इसराइल में जो कुरिल्ला है, महायुद्ध का क्या उन्हें ट्रेलर दिखा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आगे बढ़ रही है ये जंग, अमेरिका की तैयारी क्या है, क्या लेकर, क्या संदेश लेकर पहुंचे। सेंट्रल कमांड चीफ जनरल कुरिल्ला को तेल अवीव भेजा गया, 7 अक्टूबर को हमले की आशंकाओं के बीच तेल अवीव में कुरिल्ला, और ईरान पर इजरायली हमले का प्लान समझने की कोशिश की रणनीति है, ईरानी एटमी साइट पर हमला टालने की पहल भी है। बिल्कुल, तो ये रणनीति आपको बता दी गई। अब खास बात क्या है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच यूएस काफी एक्टिव हो गया है, समंदर जमीन और आसमान तक तैनाती बढ़ा दी गई है अमेरिका की तरफ से, ये खास बात इसमें नजर आ रही है।